नमस्कार, मेरा नाम हसनैन है और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के तीसरे मैच को लेकर। ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई में खेला गया। इस मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम ने डेविड वार्नर की कप्तानी वाली हैदराबाद की टीम को 10 रनों से हरा दिया है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉस की। तो टॉस यहाँ पर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने जीता था और उसके बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जो शुरुआती ओवर में कुछ महंगा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में कंट्रोल कर लिया, लेकिन उससे पहले हम आरसीबी की सलामी बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं। तो देवदत्त पाडिकल ने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने, आज उनका डेब्यू था आईपीएल में, और उन्होंने 56 रन बनाए 42 गेंदों पर 8 चौकों की सहायता से। इसके बाद फिंच ने एक उनका अच्छा साथ दिया और 29 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बाद विराट कोहली कुछ अच्छा नहीं कर पाए, मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आए एबी डिविलियर्स और एबी डिविलियर्स ने आज फिर से दिखाया कि क्यों उनको मिस्टर 360 कहा जाता है। उन्होंने 51 रनों की पारी खेली, 30 गेंदों का मात्र सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद शिवम दुबे ने 7 रनों की पारी खेली, बहुत कुछ ज़्यादा गेंदे खेलने का मौका उन्हें नहीं मिला। और फिलिप नॉट आउट रहे, जो विकेट कीपर के बल्लेबाज के तौर पर आज के मैच में खेल रहे थे, सिर्फ 1 रन बनाकर। अगर टोटल स्कोर देखा जाए तो 163 रनों का स्कोर खड़ा किया यहाँ पे आरसीबी की टीम ने। और जब पीछा करने उतरी तो उससे पहले गेंदबाजी में भी बता दें, गेंदबाजी में राशिद खान कोई कमाल नहीं कर पाए, 4 ओवर में 31 रन देकर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। भुवनेश्वर में को भी कोई विकेट नहीं मिला, 4 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए। संदीप शर्मा भी 4 ओवर में 36 रन देकर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। टी नटराजन, जिनका आज पहला मैच था, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी, पहला ओवर हालांकि उनका बहुत महंगा गया था, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, अच्छी वापसी की, 4 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट उन्हें प्राप्त हुआ। मिशेल मार्श, ये एक कहीं ना कहीं बहुत खतरा हुआ मिशेल मार्श को लेकर, क्योंकि मिशेल मार्श अपने पहले ही ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे और मात्र 4 गेंद उन्होंने फेंकी थी, उसके बाद चोटिल हो गए और उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। और उनकी गेंदबाजी, जो 2 गेंदें बची हुई थी उनके ओवर की, वो विजय शंकर ने की और उन्होंने कुल 1.2 ओवर की गेंदबाजी की, 14 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 16 रन दिए और 1 विकेट उन्हें भी मिला। लेकिन जब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने आई, उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका जो कहा जा सकता है कि हैदराबाद की टीम को लगा था, वो मिशेल मार्श के रूप में लगा था, क्योंकि ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में खेल रहे थे, उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की। और फिर ये भी चिंता का विषय बना हुआ था कि जब जरूरत पड़ेगी तो क्या बल्लेबाजी के लिए आएंगे, और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हैदराबाद की कही जा सकती है कि अच्छी नहीं रही। डेविड वार्नर और जॉनी बैरिस्टो ओपनिंग करने के लिए आए। डेविड वार्नर जब 6 रन पर खेल रहे थे और बैरिस्टो ने एक शॉट लगाया जो सीधा खेल रहे थे, उमेश यादव गेंदबाजी कर रहे थे और उमेश यादव की हाथों से लग के गेंद विकेट से जा टकराई और उस समय क्रीज से बाहर थे डेविड वार्नर और इस तरह वो रनआउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद मनीष पांडे के साथ उन्होंने बेहतरीन साझेदारी की, जॉनी बैरिस्टो और मनीष पांडे ने, और मनीष पांडे 34 रन बनाकर 33 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का लगाया और आउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद बुरी तरह लड़खड़ा गए यहां से हैदराबाद की पारी। जब मनीष पांडे और जॉनी बैरिस्टो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं ना कहीं पकड़ में है हैदराबाद के, लेकिन उसके बाद प्रियम गर्ग, जिनका कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन युवा बल्लेबाज है, भविष्य दिखाई दे रहा है उनमें भारतीय क्रिकेट का, वे भी ज़्यादा देर नहीं खेल पाए, 12 रन बनाए उन्होंने, 13 गेंदों का सामना किया। विजय शंकर से एक बार बहुत उम्मीदें थे, लेकिन मात्र एक बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए, 1 बॉल का उन्होंने सामना किया। अभिषेक शर्मा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद राशिद खान 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस दौरान अभिषेक शर्मा और जब राशिद खान बल्लेबाजी कर रहे तो उस समय एक और हैदराबाद के खेमे में कही जा सकती है कि भूचाल आ गया। जब राशिद खान और अभिषेक शर्मा ये रन के लिए दौड़े, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे और वहाँ पर अचानक से अभिषेक शर्मा और राशिद खान टकरा गए। उसके बाद राशिद खान को बहुत जोरदार चोट लगी, जिसकी वजह से खेल बहुत देर तक रुका रहा। हालांकि उन्होंने वापसी की, मैदान से बाहर नहीं गए, फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज कर दिया था वहाँ पर राशिद खान ने, और किसी तरह बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि वो अंदर से हिल गए थे उस चोट की वजह से और गिरने की वजह से। उसके बाद मैच यहाँ से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में चली गई। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार से अब बहुत ज़्यादा बैटिंग में उम्मीदें नहीं कर सकते और वैसा ही हुआ, बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए। उसके बाद संदीप शर्मा से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने 9 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। उसके बाद
मिशेल मार्श हालांकि आखिर अंत तक बल्लेबाजी करने के लिए आए, क्योंकि एक उम्मीद ऐसी लग रही थी कि अगर मिशेल मार्श आते हैं तो हो सकता है कि कोई कामयाबी मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पहली ही गेंद खेल रहे थे मिशेल मार्श और उनके पैर में चोट लगी हुई थी। कहीं किसी तरह वो मैदान पर आए थे लंगड़ाते हुए और उसके बाद पहली गेंद को उठाकर मारा और कैच आउट हो गए। और जैसे ही आउट हुए उसके बाद उनके जो पैर की तकलीफ थी और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा उनको दिक्कत हुई। और उसके बाद फिजियो और कई खिलाड़ी उनके साथ ही टीम के आए और वो मैदान से लेकर उन्हें धीरे धीरे बाहर गए। और अंत में टी नटराजन की बात करें तो नॉट आउट रहे, 3 रन बनाया उन्होंने, 4 गेंदों का सामना किया। तो इस तरह से टोटल जो रन हैदराबाद की टीम ने बनाए वो 153, 10 विकेट उन्होंने पूरे खो दिए 19.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आरसीबी को एक अच्छा स्टार्ट बहुत दिनों के बाद आईपीएल में मिला है, क्योंकि इससे पहले कई सीजन में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। पिछले साल 8वें नंबर की टीम थी, 8 टीमें हैं आईपीएल में और 8वें नंबर पर रही थी, हैदराबाद की टीम 4थे नंबर पर रही थी। और यहाँ एक बार फिर से फेवरेट मानी जा रही थी हैदराबाद की टीम, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो हाल फिलहाल में क्रिकेट उन्होंने खेला है, जबकि आरसीबी की टीम के बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने क्रिकेट हाल फिलहाल में नहीं खेला था और वो देखने को भी मिला। लेकिन एक और कॉमन चीज़ यहाँ पर देखने को इस मैच में भी मिली, जो पिछले 2 मैचों में भी देखने को मिला था, कि बहुत सारे मिसफील्डिंग और बहुत सारे कैच छोड़े गए। इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी जो फुर्ती होती है, जो चुस्ती होती है, वो कहीं ना कहीं कमी अभी भी दिखाई दे रही है। प्लस तीसरा एक और चीज़ देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो रन है, पिच है, वो बहुत ज़्यादा रनों वाला नहीं है, या बाउंड्री बहुत लंबी है, बड़ी है, उसकी वजह से बहुत बड़े शॉट खेलने में खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो रन का स्कोर है वो पिछले 3 मैचों के देखे तो 150 से 165 के बीच में रुक जा रहा है, अटक जा रहा है। तो आने वाले मैचों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिलेगी, क्योंकि तेज गेंदबाजों को, स्पिनरों को और साथ ही बाउंड्री बड़ी होने की वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हो रही है। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को मदद भी कर रही है तो इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यही स्थिति आने वाले कुछ मैचों तक अभी रहेगी, जब तक वहाँ पे खिलाड़ी जम नहीं जाते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी की अगर हम बात करें यहाँ पर आरसीबी की, तो डेल स्टेन ने 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट उन्होंने लिया, उमेश यादव को कोई विकेट नहीं मिला, बहुत महंगे साबित हुए। सुंदर की बात करें तो 1 ओवर में 7 रन दिया, नवदीप सैनी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, चहल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, शिवम दुबे ने 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए। और चहल की गेंदबाजी ही है जो इस मैच को कहीं ना कहीं मोड़ दिया एक तरीके से आरसीबी की तरफ, और यही कारण है कि यजुवेंद्र चहल को ही मैन ऑफ द मैच आज के मैच के लिए दिया गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले मैच पर फिर हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ और उसमें बात करेंगे दोनों ही टीमों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।